फ्रेंड्स, आज मैं आपको गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी बताऊंगी। ये मैंने 2 किलो गाजर ली है, बिल्कुल लाल लाल गाजर है। इसको मैंने धो करके साफ़ कर लिया है। मैं इसको पीलर से पील करूंगी और उसके बाद कद्दूकस से कस कर दूंगी। वो मैंने प्रिपेयर करके रख लिया है। अब मैं आपको गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी बताती हूँ। हलवे में डालने के लिए मैंने ये 1/2 किलो चीनी ली है, 1/2 किलो खोया लिया है जिसको मैंने क्रश करके रख लिया है, 2 बड़े चम्मच देसी घी लिया है और 10 ये इलायची ली है जिसको मैं पील कर लूँगी। पील करने के बाद मैं थोड़ी सी चीनी में इसके दाने पीस कर के रख लूँगी जिसको मैं हलवे में डालूँगी। और ये मैंने 50 ग्राम काजू लिया है, 50 ग्राम बादाम लिया है। इसको मैंने काजू को हाफ हाफ कर लिया है और बादाम को थोड़ा सा क्रश कर लिया है। ये 100 ग्राम के करीब मैंने मलाई ली है, ये ताज़ी मलाई है, और 1/2 भर दूध लिया है। अब मैं आपको गाजर का हलवा बनाना बताती हूँ। मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी है, फ्लेम मेरी फुल है। इसमें मैं घी डाल दूँगी। ये घी मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसमें गाजर डालूँगी। ये 2 किलो गाजर 10 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त है। अगर आप 2 किलो गाजर बना रही हैं तो आप अपने घर भर में पूरे परिवार के लिए आराम से कर सकती हैं। ये मैं इसमें, मेरा घी गर्म हो गया है, मैं इसमें गाजर डाल दूँगी। और मैं इसको कम से कम 10 मिनट तक चलाते हुए थोड़ा भून लूँगी और इसको बराबर थोड़ा चलाती रहूँगी जिसमें ये नीचे से लगे ना। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और मेरी गाजर भून गई है हल्की सी और थोड़ा सा श्रिंक भी हो गई है। अब मैं इसमें ये दूध डाल देती हूँ, ये देखिए, और थोड़ा सा 2-3 मिनट चलाने के बाद मैं इसको ढक दूँगी और ढक करके कम से कम 10 मिनट तक और पकाऊँगी, अच्छे से चला दूँगी। बीच में लेकिन एक बार आप ढक्कन खोल करके ज़रूर देखूँगी और इसको चला दूँगी। चलाने के बाद मैंने ढक्कन ढक दिया है और अपनी फ्लेम थोड़ी धीमी कर दी है। मैंने ढक्कन हटा करके एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। थोड़ा सा गाजर और पकी है, मैं बीच में एक बार और चला दूँगी और फ्लेम अभी अपनी मीडियम ही रखूँगी। मैं 5 मिनट के लिए और बंद कर देती हूँ। देखिए 5 मिनट और हो चुके हैं, मैं ढक्कन हटा देती हूँ और इसको चलाती हूँ। ये देखिए मेरी गाजर काफ़ी पक चुकी है, थोड़ा सा भी लिक्विड और है इसमें। इसको मैं फ्लेम थोड़ी तेज कर दूँगी अब अपनी, और मैं इसमें जो मलाई ली थी मैंने फ्रेश मलाई, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मलाई आप चाहें तो डालें या ना डालें, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। देखिए मलाई अच्छे से मिक्स हो गई है इसमें। ये देखिए मलाई आपस में मिक्स हो गई है। मलाई से इसका, आप जो गाजर का हलवा बना रहे हैं इसमें न्यूट्रिशंस बढ़ जाते हैं मलाई से, और एक टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए मैंने इसमें मलाई का यूज़ किया है। अब मैं इसमें खोया मिला देती हूँ और इसको आपस में मिक्स कर देती हूँ। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। गाजर बस थोड़ी सी और पकनी रह गई है, ये भुनते भुनते ही पक जाएगी, पर इसे मुझे लगातार थोड़ा चलाना है अभी कि नीचे से ये लगे ना, और खोया भी पक जाए आपस में मिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरीके से चलाती रहिए, गाजर भी पकेगी और ये आपस में मिक्स भी हो जाएगा। इसे करीब 3-4 मिनट आप ऐसे मिक्स करते हुए चलाती जाइए। देखिए फ्रेंड्स 2-3 मिनट हो चुके हैं और मेरा ये हलवा भी लगभग भुनने को तैयार है।
जो मैंने खोया डाला था, खोए से गाजर के हलवे में एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अब मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ। चीनी डाल करके मैं इसको थोड़ा देर चला दूँगी और फिर 3-4 मिनट के लिए फ्लेम आँच धीमी करके मैं ढक दूँगी। देखिए मैंने इसमें चीनी डाल दी है। मिक्स करती जा रही हूँ चीनी आपस में। थोड़ी देर में चला लूँगी जिसमें चीनी आपस में मिक्स हो जाए। देखिए कितना अच्छा चीनी डालने से कलर आने लगता है। थोड़ा और लिक्विड हो गया है ये मेरा हलवा। अब मैं फ्लेम धीमी कर देती हूँ इसको, थोड़ी सी देर चीनी पक जाए मेरी। ये देखिए अब बराबर चलाती जाऊँगी मैं हलवे को। फ्लेम धीमी कर दी मैंने अपनी। मैं इसको 2-3 मिनट तक और चला के धीमी आँच पे पकाऊँगी। ये देखिए चीनी पक चुकी है। अब मैं अपनी गैस की फ्लेम तेज कर देती हूँ फुल पे और इसको बराबर चलाते हुए भूनूंगी कम से कम 7-8 मिनट तक, जब तक ये गाजर का हलवा पूरा सूख ना जाए। तब तक मैं इसको बराबर पकाऊंगी और मैं इसमें थोड़ा सा बादाम डाल देती हूँ जो मैंने क्रश करके रखे थे, और थोड़े से गाजर। अब मैं इसको तेज़ आँच पे भूनूंगी 5 मिनट के लिए। तो इसके बाद, और ये देखिए मैंने थोड़ी सी चीनी पीस के रखी थी, हरी इलायची डाल करके उसको मैं डाल देती हूँ। इससे एक इलायची का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। बस इसको मैं बराबर चलाते हुए भूनूंगी। ये देखिए मैंने 10 मिनट तक फुल फ्लेम पे गाजर का हलवा बराबर चलाते हुए भूना है। ये देखिए लगभग भून चुका है। बस मैं इसको थोड़ा सा और सुखा लूँगी। देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है हलवे में। वाओ यम्मी, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए बस थोड़ा सा और सूख गया। बहुत रिच हलवा ये प्रिपेयर हुआ है। मैंने इसमें मलाई भी डाली है और इलायची आप डालना चाहें, इलायची का फ्लेवर अगर आप पसंद करती हूँ तो इलायची डालिए, नहीं तो आप सादी चीनी भी इसमें डाल सकती हैं। वाओ ये देखिए मेरा गाजर का हलवा बिल्कुल भून चुका है। मैं गैस बंद कर देती हूँ, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसको बोल में निकाल लेती हूँ। देखने में बहुत सुंदर लग रहा है ये हलवा। अब मैं इसको गार्निश करूंगी। मैंने थोड़े से बादाम छोड़ रखे थे, इसको मैं ऊपर से डाल देती हूँ। थोड़ा सा काजू, और मैंने थोड़ा सा क्रश किया हुआ खोया भी छोड़ दिया था, इसको भी मैं ऊपर से डाल दूंगी। डिलीशियस डिश लग रही है बिल्कुल। ये बहुत खाने में टेस्टी भी बहुत है। ये देखिए मेरा रिच गाजर का हलवा तैयार है। अगर आपको मेरा ये हलवा बनाना रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।